हम लोग एग्जाम्पल टेन करने जा रहे हैं कि हमारा क्या सिद्ध कीजिए। 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमको सिद्ध करना रहता है, इसमें 0 से π/2 तक की जो वैल्यूज आती हैं वो तो हमको याद होनी चाहिए, और बाकी जो वैल्यूज बड़ी वैल्यूज होती हैं π/2 से, उसको हम लोग जो है कन्वर्ट करके π/2 के अंदर लाते हैं। तो 0 π/6 π/4 π/3 π/2, साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 क्या होता है, 0 π/6 जो होता है 1/2, और sin π/4 1/√2, और sin π/3 √3/2, और π/2 की वैल्यू 1, और कॉस में क्या चलता है, उल्टा चलता है, ये 1√3/2 1/√2 1/2 0, और टेन हमारा क्या होता है, इसी को डिवाइड कर देते हैं, 0/1 हमारा क्या हो जाएगा 0, और 1/2 1/2 √3/2, तो 1/2 को जब आप भाग देंगे √3/2 से तो ये हो जाएगा 1/2 × 2/√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1√3/2, ये हमारा √3 होगा, और 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेनाइट हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फेनाइट, ये क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इन्फेनाइट है, उसको 1/∞ यानी 1 में इन्फेनाइट से भाग देंगे तो 0। और sec हमारा क्या होता है, cos का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/ का उल्टा √2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का उल्टा 1/0 इन्फेनाइट। cosec हमारा 1/0 इन्फेनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। तो बेसिकली 90 तक की वैल्यू याद रखने के लिए हम लोग π/2 तक के लिए साइन 0 0 sin 30 1/2 45 1/√2 60 √3/2 91। ये अगर डिग्री में बात करें तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो अब जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसका लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4। जो वैल्यूज हमारे 0 से 90 के बीच में होगी वो तो इजीली हम लोग लिख देंगे, 3 sin π/6 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। sec π/3, cos π/3 हमारा क्या होता है, sec π/3, तो cos π/3 हमारा क्या होता है, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 की वैल्यू हो जाएगी π/3 हमारा, तो cos π/3 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो इसकी वैल्यू sec की क्या हो जाएगी, 1/2 का उल्टा 2 माइनस 4 sin 5π/6, ये हमारा π/6 से बड़ा है, इसकी वैल्यू अभी नहीं जो है डिस्टर्ब करते हैं, cot π/4, तो cot π/4 tan π/4 हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो cot का उल्टा tan का उल्टा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया 3 माइनस 4। अब हम लोग जो 5π/6 है, कहीं पे 5π/6 आपका लिखा है, 5π/6, तो इसको अगर आप ऐसे लिख लें, π − π/6, हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल बदलेंगे वो पाई प्लस या पाई माइनस या π/2+ या π/2- के रूप में बदलेंगे, ऐसा जो बदलना है। तो ये हमारा 5π/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, π − π/6, तो हम लोग इसमें क्या लिखा है, वही लिखा है, 5π/6 ही लिखा है। अब sin π − θ हमारा क्या होता है, sin π − x हमारा क्या हो जाता है, सीधा सीधा sin x हो जाता है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 − 4, और sin π − x sin x, ये हमारा क्या हो गया, sin π/6। ये हमारा एंगल देखिए, अब 5π/6 जो π/2 से बड़ा था, ये π/2 के रेंज में आ गया, 3 − 4 sin π/6, sin π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये हो गया 3 − 2 = 1 = हमारा RHS। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर ले, इसके पीछे जो है मोटिव हमारा क्या है कि जो वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू हमको 0 से 90 के बीच में वो तो पुट कर देंगे, और जो बड़ी वैल्यूज हम लोग याद नहीं रखते कि पाई तक की वैल्यू भी याद रखें, 2π तक की वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
उसको पाई जो एंगल होता है उसको हम पाई प्लस समथिंग एंगल या पाई माइनस समथिंग एंगल या पाई बाई टू प्लस एंगल या पाई बाई टू माइनस एंगल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है इसका मोटिव है। अब हम लोग 11th क्वेश्चन जो देखते हैं आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11th, हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि जो फार्मूले कैसे यूज हो रहे हैं। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जानते हैं जो वैल्यूज हम लोग याद रखते हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन सबकी वैल्यू हम लोगों ने जो है मैथमेटिकली निकाल लिया है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करके निकालते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि हमको 0, 30, 45, 60, 90 यही वैल्यू पता है, उसी का यूज करके हमको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो और फार्मूले भी हमको पता है, तो साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री कहीं पे लिखा हो तो इसको अगर 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखें तो ये भी 15 डिग्री ही लिखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस वाई का जो है अपना फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये यूज करेंगे तो हमारा साइन 45 माइनस 30 बराबर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। साइन एक्स की जगह पे 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये साइन 15 डिग्री ये है। साइन 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये √3/√2 माइनस 1/√2। हर बराबर है तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1/√2। तो ये हम लोगों ने क्या किया, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, √3 - 1/√2। तो बेसिकली हम लोग जो क्या देख रहे हैं, फार्मूले कैसे यूज किए जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल जो हमारा 12 हमारा है, टेन 13π/12 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या रखते हैं वैल्यू, हम लोगों ने क्या पता सीखा है कि हम लोग वैल्यू 0 से π/2 तक की याद रखते हैं, और इन सब जो ये वैल्यू हमारा क्या 13π/12, ये π/2 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो एंगल को बदलने के लिए हम लोग पाई प्लस एंगल या पाई माइनस एंगल, तो ये हमारा पाई से एक्सीड कर रहा है, तो 13 देखिए ऐसे बदलेंगे आप, 13π/12, ये हमारा तो 12 एक बार से ज्यादा रह जा रहा है। पाई प्लस एक्स एंगल हम लोग मान लेते हैं कि 13π/12 को हम लोग पाई प्लस एक्स एंगल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 13π/12 माइनस एक्स सॉरी पाई। तो एक्स इक्वल टू हमारा एलसीएम लेंगे तो 13π - 12π/12, तो ये हमारा क्या हो गया, पाई बाई 12। एक्स हमारा क्या हो गया, पाई बाई 12, यानी 13π/12 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, ये हमारा हो गया पाई प्लस पाई बाई 12। तो हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हमारा हो गया 10 13π/12 बराबर 10π + π/12, और 10π + θ हमारा एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। 10π + x जो हमारा होता है ये 10x हो जाता है। तो 10π + π/12 हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10π/12। अब 10π/12 की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। अब 10π/12 को दो वैल्यूज में ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमको पता है, और वैल्यू हमको क्या पता रहता है, 0π/3, π/4, π/6, π/2। तो पाई बाई 12 को हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं,
पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स अगर हम लोग लिखें तो ये क्या लिखा है, सिक्स पाई माइनस फोर पाई बाई 24, तो ये 2π/24 यानी पाई बाई 12 ही लिखा है। तो पाई बाई 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो एंगल के डिफरेंस के रूप में पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स, यानी जो इसकी वैल्यू भी क्या है वही है, लेकिन हमको पाई बाई फोर की वैल्यू भी पता है, पाई बाई सिक्स की वैल्यू भी पता है। तो टेन पाई बाई 12 जो हमारा था इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, टेन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स। हम लोग ऐसे एंगल में ब्रेक कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमको पता हो। और फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला हमको पता है, टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, इसका फार्मूला यूज कर देंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स, एक्स की जगह पे हमारा क्या है पाई बाई फोर माइनस टेन पाई बाई सिक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन पाई बाई सिक्स। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमारी क्या होती है, सिंपली वन होता है। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमारी हो गई वन। टेन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाई सिक्स की √3/2, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3 अपॉन वन प्लस वन इंटू 1/√3। तो ये हमारा हो गया √3 माइनस वन अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस वन अपॉन √3। तो √3 √3 खत्म हो गया, √3 माइनस वन अपॉन √3 प्लस वन। टेन 13π/4 की वैल्यू ये हम लोगों ने कर दिया, √3 माइनस वन अपॉन √3 प्लस वन। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, जो है जिसका परिमेयीकरण बोलते हैं, हर का परिमेयीकरण। तो ये हम लोगों ने जो निकाला है टेन 13π/12 इक्वल टू हमारा है √3 माइनस वन अपॉन √3 प्लस वन। तो इसका हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो हर का √3 + 1 है तो उसका जो है कॉन्जुगेट √3 - 1 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और a + b a - b हमारा क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर - 1, a² यानी √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2√3 अपॉन 3 - 1, ये हमारा 2 हो गया। दिस इक्वल टू 4 - 2√3 / 2, दो कॉमन कर लिए 2 - √3, ये हमारा जो वैल्यू आ गया 2 - √3। ये भी हम लोगों ने देखा। अच्छा 12 नंबर हो गया। अब जो एग्जांपल आपका 13 दिया है वो हम लोग देखते हैं, उदाहरण 13। एग्जाम्पल को भी आप लोग ऐसे करिए जैसे आपका वो क्वेश्चन आपको जो है उसमें एक्सरसाइज में दिया है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल कर लेना चाहिए इसीलिए करवा रहे हैं। तो इसमें हमको सिद्ध करना है साइन x+y अपॉन साइन x - y बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है। हम लोग लेफ्ट हैंड लेके चलें या राइट हैंड लेके चलें, दोनों लेके कर सकते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड ले 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 लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड हमारा क्या है, साइन x+y अपॉन साइन x - y। अब इसमें हम लोग साइन x+y और साइन x - y का फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन x+y हमारा क्या होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन x - y हमारा क्या होता है, यही माइनस हो जाता है, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो साइन x+y हमारा क्या हो गया, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई।
अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए जो पहला टर्म हमारा वो टेन एक्स लाना है, तो ये टेन एक्स ये कैसे बनेगा, एक तो कॉस एक्स नीचे होना चाहिए और कॉस वाई भी नीचे होना चाहिए, क्योंकि तब ये कॉस वाई खत्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में कॉस एक्स, अंश तथा हर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग देने पर तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई दिस इक्वल टू। अब हम लोग जो है अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। नीचे हमारा हो गया साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब साइन एक्स कॉस वाई जो है साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, और कॉस वाई खत्म हो गया। ये यहाँ पे क्या खत्म होगा, कॉस एक्स खत्म हो गया, यहाँ पे कॉस वाई खत्म हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स। तो यहाँ क्या बचा, टेन एक्स, यहाँ क्या बचा, टेन वाई। तो ये हमारा दिस इक्वल टू टेन एक्स हो गया हमारा ऊपर, टेन एक्स प्लस टेन वाई, और नीचे हमारा हो गया टेन एक्स माइनस टेन वाई। अच्छा अगर आप राइट हैंड को लेके चलते टेन एक्स प्लस टेन वाई, तो टेन को हम लोग क्या करते, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई। उसके बाद हम लोग तिरछा गुणा कर देते, देखिए ऐसे भी कर लेते हैं हम लोग, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई लेके चलते हैं। टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू हमको लाना साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन, लो ये लेके चलते हैं टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। टेन एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई दिस इक्वल टू, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। नीचे हमारा तिरछा गुणा किया तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ये हमारा खत्म हो गया। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हमारा क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, और ये माइनस है तो ये हमारा हो गया साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला। ये भी हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन हमारा। इसके बाद दो तीन एग्जाम्पल और हैं, हम लोग उसको करेंगे।